The Pakistani artist ban debate has got almost everyone's views, and now actors Ronit Roy and Ashmit Patel have expressed their views on the much talked about issue. Watch what they had to say when asked about the temporary ban imposed on Pakistani artists working here in India. Look, I'm not against artists. I can't be because I'm an artist myself. लेकिन जब हमें अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है पाकिस्तान में, हम जाके वहाँ पे ओपनली काम नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती. हाँ, देयर इज अ प्रोसेस फॉर वीज़ा एप्लीकेशंस एवरीथिंग, वो ड्यू प्रोसेस से उनको यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है. वी डोंट गेट दैट चांस. आई थिंक दैट्स रॉन्ग फर्स्टली. और जो करंट सिचुएशन है उसको लेके अगर ये मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट तक पहुँचती है और उनके जो इन्फ्लुएंशियल जनता है, एक्टर्स और परफॉर्मर्स, उनसे अगर वो आवाज़ ज़्यादा लाउड बनती है और वो टेररिज्म को थोड़ा सा टारगेट करेंगे, एंड इफ इट मेक्स इवन इतना सा डिफरेंस, इट सेव्स इवन वन लाइफ ऑफ वन जवान ऑफ आस ऑन द बॉर्डर, आई थिंक इट्स वर्थ इट. आई थिंक द बैन शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड नॉट परमानेंटली. लेट सिचुएशन सिमर डाउन. लेट बातचीत बहुत होती है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ हम देखते नहीं है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है. सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टैंड. आई थिंक सम इतने सालों से हमने डिफेंसिव स्टैंड लिया है, इट्स अबाउट टाइम दैट वी एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट इट. क्योंकि हम लोगों के जीवन में कोई डिफरेंस नहीं हो रही है. हम लोग यहाँ पे मुंबई में, हमें पता भी नहीं होता कि बॉर्डर में क्या हो रहा है, कितने जवान शहीद हो रहे हैं. उनके फैमिली से अगर हम पूछेंगे, दे विल हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन. द स्टोरी दैट एन एक्टर फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी इज दैट एन इंडियन जवान हु ही नोज वेरी क्लोजली आस्क्ड हिम दैट यार हम तो यहाँ बॉर्डर पे रोज़ी लड़ ही रहे हैं और सालों से लड़ रहे हैं, हमारे परिवार से दूर रहकर लड़ रहे हैं, पता नहीं कब देखेंगे परिवार को. और अब तो ये हो गया है कि कब क्या देखेंगे भी या नहीं, ये भी निश्चित नहीं है. गोलियों का सामना कर रहे हैं और वहाँ सामने आप लोग तो वहाँ चाय पी रहे हैं उनके साथ. तो यही मेरा उत्तर है और मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ अपनी आर्मी को और अपने नेशन को. और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जो भी करना है हमें करना है. डोंगरी का राजा विल बी रिलीजिंग ऑन 11th November this year, which is set against the backdrop of Underworld Dawn.